तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये ओप्पो का सेट है और ये देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर ओप्पो A5S है और इसका देख सकते हैं इसमें पासवर्ड लगा हुआ है। तो देख सकते हैं इसका हम अभी पासवर्ड खोल दे तो नहीं रिमूव हो रहा, तो ये देख सकते हैं। तो इसका भी हम पासवर्ड किस तरह से रिमूव करेंगे, तो दोस्तों अभी इसका हम पासवर्ड रिमूव करेंगे बिना कंप्यूटर के। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से हम अभी इसका पासवर्ड रिमूव करें। तो आप लोग अगर पासवर्ड रिमूव करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखें। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं दोस्तों इसको पावर ऑफ कर लेते हैं और इसको पावर ऑफ कर लेने के बाद ये देख सकते हैं सेट पूरी तरह से ऑफ हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये सेट पूरी तरह से ऑफ हो चुका। तो यहाँ देख सकते हैं पावर जो बटन है और ये वॉल्यूम की यानी कि नीचे वाला दोनों को एक साथ प्रेस करना है, ये नीचे वाला और ये दोनों को एक साथ प्रेस करना है। तो देख सकते हैं ये दोनों को मैं एक साथ प्रेस कर लेता हूँ। और उसके बाद जैसे सेट ऑन होगा उसके बाद पावर बटन को छोड़ देना है और पावर की को प्रेस करके रखना है। तो यहाँ देख सकते हैं रिकवरी मोड लिखा, देख सकते हैं रिकवरी मोड में आ चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश हम सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद देख सकते हैं वाइप डेटा लिखा हुआ है, तो वाइप डेटा पर सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्लीज़ इंटर लॉक स्क्रीन पासवर्ड मांग रहा है, तो हमें यहाँ पासवर्ड मालूम नहीं है। तो अभी हम इसका इस तरह से सॉल्यूशन करें तो मैं अभी आप लोग को दिखाऊंगा। तो चलिए मैं बैक चल जाता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं चेक डिस्क, यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद ये देख सकते हैं ये मेरा पासवर्ड चेकिंग द एक्सपेंड। तो यहाँ देख सकते हैं डिस्क डाटा इन इंटैक्ट यानी कि ये मेरा हो चुका। तो चलिए मैं वाइप डेटा कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ, उसके बाद वाइप डेटा करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ ये वाइप डेटा आपको नज़र आ रहे हैं, वाइप डेटा पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं वाइप डेटा पर क्लिक कर लेता हूँ और वाइप डेटा क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं वाइप डेटा सिम कनेक्ट एंड, और यहाँ नीचे देख सकते हैं वाइप डेटा कीप्स SMS कॉन्टैक्ट एज फोटो और यहाँ फॉर्मेट डाटा। तो आप यहाँ पे क्लिक सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर्मेट डाटा और उसके बाद देख सकते हैं फिर ओके कर देंगे। तो वाइपिंग प्लीज़ वेट यानी कि आपको वेट करने बोल रहा है, तो चलिए वेट कर लेते हैं। तो थोड़ा वेट कर लेना। तो देख सकते हैं ये मेरा फॉर्मेटिंग द डाटा प्रोसेसिंग सक्सेस, और इसको ओके कर लेते हैं। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ रिपोर्ट का सिस्टम है, रिपोर्ट कर देंगे। उसके बाद ये सेट मेरा ऑटोमेटिक रिपोर्ट हो चुका है। और ये देख सकते हैं अभी मैं आप लोग को दिखा दूँगा कि सेट चालू होगा। तो आप लोगों को थोड़ा वेट कर लेना है क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा बन सकता है। तो देख सकते हैं दोस्तों ये सेट चालू हो चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश में भाषा रख लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यू कर देंगे। और
और कंटिन्यू कर देने के बाद यहाँ पे दोनों एग्री है, उसके बाद फिर कंटिन्यू कर देंगे। और उसके बाद फिर देख सकते हैं स्किप का ऑप्शन है दे रहा, तो मैं स्किप कर लेता हूँ और उसके बाद फिर कंटिन्यू कर लेते हैं। तो वाईफाई सी एंट्री, तो यहाँ की आपको वाईफाई सिलेक्ट कर लें, तो यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना, और एक्सेप्ट कर लेने बाद यहाँ पे एक स्किप ऑप्शन आपको मिल जाएगा, एक सेटिंग, तो स्किप पे कर लेंगे और उसके फिर स्किप कर लेंगे। उसके बाद देख सकते हैं कंटिन्यू, उसके सेट एज ए न्यू फोन या इम्पोर्टेड डाटा फॉर ओल्ड फोन, तो सेट एज न्यू ओप्पो फोन पे क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं स्किप का ऑप्शन नज़र आ रहा, और उसके वेलकम सेट योर वंडरफुल कवर एंट्री यानी गेट स्टार्टेड यानी कि सक्सेसफुल हो चुका है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं, तो ओप्पो A5 का इस तरह से आप लॉक तोड़ सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो में।